जैसे कि आप देख सकते हो फुला दिए। अब मैं आपकी प्यारी सी हाथस की अंजलि एंड सो गाइस 12 बज चुके हैं, नई न्यू साल लग चुकी है, मतलब न्यू ईयर आ चुका है। सो सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सो रात को मैं स्टार्ट किया है ब्लॉग। सो कुछ नहीं गाइस, बस बालों में जमी कर रही हूँ और थोड़ा स्टोरी पे लगा दिया है सबके लिए कुछ, बस हैप्पी न्यू ईयर विश करना था आप लोगों के लिए। तो बने रहना इस ब्लॉग तक शाम के कल 12 बजे तक, ठीक है? सो कल एंड होगा इस ब्लॉग का, बने रहिए। लव यू, टेक केयर, सुबह मिलते हैं। गुड आफ्टरनून, सो सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? तो मैं जग चुकी हूँ, मैं नहा भी ली, टाइम बज रहा है 2:30 बजने वाला आई थिंक। सो हाँ नहीं 3 बजने वाले हैं गाइस। तो मैं नहा ली, धोली, सब कुछ कर लिया, अब खाना पीना खाना है, बस वो रेडी होने बनने वाला है, ठीक है? तो बने रहिए शाम तक के ब्लॉग में, फुल एंजॉय करिए, ठीक है? देखो बाहर धूप भी निकल आई है आज, तो धूप निकल आई है काफ़ी जोर की, ठीक है? चलो फिर मिलती हूँ बाद में, तैयार व्यार हो लेती हूँ थोड़ा। ओके बाय। हमारे घर के बराबर में क्या आए हैं जो कि वो साड़ी बेच रहे हैं, देखो ये बच रही है, पास करके और दिखा साड़ी होगी। ओए दिखा दियो साड़ी जरा, तो आप ये क्या कर रहे हो अंकल जी? ये देखो यहाँ साड़ियों की सेल लगी है, 120 रुपए की साड़ी बिक रही है, वो देखिए, वो देखिए, ये पड़ी है साड़ियाँ। ये आंटी है, ये वाली साड़ी निकाली है ब्लू कलर की, बेच रहे हो इनकी पे, इन बेचारे की साड़ी ले ली इन्होंने। ये देखो कैसे दांत दिखा रही है। अरे बेच दे, थप्पड़ मारूंगी तेरे अभी। देखो इस आंटी अंकल का प्यार कितना बड़ा भी जारी है, तो नई साल तक ऐसे ही करेंगे। नई साल पर जो भी काम करते होता है ना, पूरी साल करते हैं। देखो यहाँ पर बैठ के आटा लगा रही है, पूरे ब्लॉग देखना। तो गाइस मैं खाटू श्याम बाबा के मंदिर पे आई हूँ शाम को दर्शन करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मन था मेरा, इसीलिए मम्मी भी आई है, भाई भी आया, भाई पीछे है, दिख नहीं रहा। गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जैसे खाटू श्याम के दर्शन तो मैं करके आ चुकी हूँ, और आज है मेरे भाई का बर्थडे, न्यू ईयर वाले दिन मेरे 1 ईयर को मेरे भाई का बर्थडे होता है, तो मैं उसके लिए बलून्स तैयारी कर रही हूँ। वो गया है बाजार, उसके दोस्त ले गए हैं उसको, मतलब केक काटने के लिए रेस्टोरेंट वगैरह गए हैं वो लोग, तो यहाँ पर मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। बट बलून्स वगैरह रखे हैं, मैं सजा लेती हूँ और उसके साथ में अपना। तो गाइस देख सकते हो अब सारे बलून्स पड़े हुए हैं, मैं इनको फुला देती हूँ चुटकियों में, ठीक है? बलून्स रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फुला दिए। गाइस आपने देख लिया बलून्स रेडी हो चुके हैं, और मैं जल्दी से इनको लगा देती हूँ। भाई अभी तक आया नहीं, आ गया तो फिर मैं कह नहीं सकती, वरना मतलब जल्दी तैयारी कर रही, क्योंकि अकेले हाथ से किया तो भाई अकेले, तो अकेले का काम तो अकेले जैसा ही होता है, आप समझ ही सकते हो, ठीक है? सब लोग आ चुके हैं, तो गाइस सब लोग आ चुके हैं, आ चुके हैं। हेलो गाइस, हाय करते हो ना? तुम्हें भूल गया है, उसे याद करके रोना अच्छा नहीं है। मुझे याद नहीं आई मास्टर, नजर आ गई उसके।
जियो हजारों साल। दुआ डाल चले ओ बन जाओ हर साल के दिन हो 50,000 आप जियो हजारों साल हर साल के दिन हो 50,000 आप जियो हजारों साल हर साल के दिन हो 50,000 मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो जितने गुजरी ना गवार गुजरी मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरा जन्मदिन है बल्कि इस बात की खुशी है कि मैंने लंबी जिंदगी का चलो एक और साल कम तो हुआ जिंदगी की उम्र इनके कुछ गुणों की कम हो मैं आप कहता हूँ भाइयों एक वेगन की वर्किंग को लग जाए क्यों रामा रामा यहाँ पर खाना रेडी हो चुका है पार्टी वार्टी हमारी खत्म होगी देखो ये सब लोग भूखे भिखारियों की तरह लगे पड़े हैं जैसे ने किसी जेल से निकाला है खाने के लिए देखो
देखो किसी की भी जवान बंद नहीं, सबके मुंह चल रहे हैं, देखो इनका भी चल रहा है। आएगा इस खान जी खाना खा रहा है, इसका भी चल रहा है, इसका फास्ट है। चाल में तो मेरा तो बंद है। क्या बंद है? मुंह। हां इसका मुंह बोल, तुम बोल रही है मुंह का बंद है तेरा। तो गाइस अब मैं भी खाना खा लेती हूँ, मैंने इन लोगों को दिखा दिया ठीक है, पार्टी वार्टी सब कुछ फिनिश होगी एंड खाना खा के ब्लॉग का एंड कर देती हूँ ठीक है। और ब्लॉग कैसा लगा? फाइनली हमने खाना खा लिया है तो अब ब्लॉग का हम एंड करते हैं। तो ब्लॉग को क्या करना है बताओ? लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। और ये भी जरूर बताना कमेंट ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, कमेंट जरूर बताना ठीक है। और ब्लॉग को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया करो और मुझे बता दिया करो कि कैसा ब्लॉग मुझे बनाना है। सो आने वाला नेक्स्ट ब्लॉग होगा जो मैं उसको फिर अच्छा बना के दूंगी। तो तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।